देख रहे हैं काफी दिनों से वन मंथ से आपका स्ट्राइक चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनवाई हुई अभी तक? तो मैंने अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम सुभाष गौड़ है और मैं यहाँ इक्विटी डिपार्टमेंट प्लांट में था, अभी बाइक प्लांट में काम कर रहे हम लोग, जगह डाला। एक महीने से मैनेजमेंट के कड़े रुख की वजह से ये माहौल बना हुआ है। कैजुअल्स को इन्होंने अपने नए नए तरीके निकाल निकाल के बाहर निकाल कर रखा है। पहले तो 15 दिन के हिसाब से निकालते थे, 15 दिन का बोलते थे, हफ्ते भर में ले लेते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने और समय बढ़ाना शुरू किया, लगातार ये हालत बना दी थी। और जुलाई अगस्त से देख रहे हैं कि जो नए बंदे लिए हुए थे 10-12 दिन के लिए लिया और निकाल दिया। पता नहीं सरकार को क्या दिखाना, जानबूझ के अंधी बनी हुई है या आर्थिक उसका कुछ शो कर रहे हैं। इवन अगर मंदी है तो क्या वर्करों के लिए 10,000 रुपये पा रहे हैं, 12,000 रुपये पा रहे हैं, 14,000 पा रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए मंदी है? हाँ, मैनेजमेंट का एक ही बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी होगी। इन लोगों के 4 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा। इवन हमारे परमानेंट लोगों का भी इन्होंने 15-16 महीने से सेटलमेंट रोका हुआ है, ये दिखाने के लिए। ये कहते हैं कि भाई मंदी आ रही है, महंगी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि हमारे लोगों के सैलरी बढ़ने से मंदी पड़ेगी। तो कितने एम्प्लॉयों को निकाल दिया गया है? लगभग 2,500 कैजुअल हैं। वो कैसे कि 2,500 किसी कंपनी से अगर निकाल दिया जाए और ये गवर्नमेंट भी इस पर कुछ एक्शन ना ले? तो मैं तो लग रहा है गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं मिली भगत नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के नेताओं के पास जा जाके स्टेप उठा रहे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा और मैनेजमेंट मीटिंग करने को तैयार नहीं होती। मैनेजमेंट कोई ना कोई नए पैटर्न खेलने को, अभी भी सुनने में आ रहा है कि कैजुअलों के घर फोन जा रहे हैं, घर चेक ले लेके पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आप 35,000 रुपये साल के हिसाब से ले लो, समझौता कर लो, आप अपना भविष्य सोचो, मतलब बहुत तरह की बातों से उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी कोई एक्चुअल क्लियर बंदों को नहीं हो पा रहा कि कहाँ से क्या रिकॉर्ड बनेगा। ये ठेकेदार का नाम के हिसाब से कुछ दिन पहले इन्होंने एक लेटर लगाया था कि 15,000 रुपये साल के हिसाब से हम देंगे। अब ये झांसेबाजी कर रहे हैं कि भाई 35,000 रुपये साल के हिसाब से देने वाली बात आ रही है, तो उसका भी कोई सिर पैर नजर नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं इनको खराब करने की कोशिश हो रही है जी जी, ताकि ये टूटे अपने अपने घर चले जाएं और ये माहौल दब जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। एक महीने से कंपनी के बंदे बाहर बैठे हुए हैं, जो लोगों ने काम दिया उनके संबंध में क्या लग रहा है? पॉजिटिव है, जीत मिलेगी, पक्का मिलेगी, सारे मजदूरी इकट्ठा है, जीत मिलेगी। कहाँ कहीं से कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोग? हाँ, पहले तो कुछ भी देने की बात नहीं होती, बीवी बीच में 15,000 पर ईयर के हिसाब से देने की बात हुई थी, जो अभी करीब 25,000 रुपये तक बात आई है। और वो अमाउंट हम बंदों की है कि या तो हमें परमानेंट नौकरी पर रखो या फिर पर ईयर यहाँ पर आए। सर नाम क्या है? आशीष ने आपके होंडा में बताओ सर क्या है इतना ये वन मंथ से आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हो, क्या रिपोर्ट में किया गया तो उसको उनको बाहर कर दिया गया, तो अभी के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो कुछ भी देने के लिए इसे डिफरेंस कर दिया था, तो अब से कोई कर पाते हैं कुछ चल रहे हैं। अभी तक आया नहीं था, क्योंकि बैच को उन्होंने बोला था कि आप 3 महीने के लिए आप ब्रेक ले लो, 3 महीने के बाद बुलाए, लेकिन 3 महीने बोलो दो लाइन बताओ, इतना जो है आपके साथ घटना घट रहा है आप बताओ, आओ सामने आओ बात करने में। हाँ, एक नाम बताओ पहले सर आप। जी सर जी, परमानेंट हो आप, तो आप अभी वर्किंग हो या फिर आपको भी निकाल दिया गया है? वर्किंग है। तो क्या कारण है कि सर इतने एम्प्लॉय को 1,500 एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है? ये दूसरे प्लांट में अपने प्रोडक्शन शिफ्ट कर रखी है, इसी चक्कर में कैबिन वर्कर को निकाल दिया। सर ये होंडा कंपनी के जो स्ट्राइक करने वाले एम्प्लॉय है उनके बारे में क्या करना चाहिए? ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम जनता के सामने आ रहा है। रोजगार देने की बजाय रोजगार सुधार लोग उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है।
मैनेजमेंट गैर कानूनी ढंग से होंडा मैनेजमेंट 2500 वर्करों को बाहर बैठा रखा है और मंदी की मार का बहाना बना के आज रोजगार को छीना जा रहा है। हमारी मांग है कि सभी वर्करों को वापस लो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, समान काम समान वेतन लागू करो और पूरे प्लांट में प्रोडक्शन को बढ़ाओ और उत्पादन को और तेज करो ताकि सबको काम मिल पाए, ये हमारा कहना है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या अभी एक्शन लिया गया? अभी लेबर डिपार्टमेंट बातचीत कर रहा है, अकेली बातचीत से समाधान होने वाला नहीं। जब तक खुद मुख्यमंत्री लेबर मिनिस्टर इंटरवीन करके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकल सत्र पर एक अधिकारियों की क्या स्थिति है, मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सीरियस लेके मैटर के अंदर हस्तक्षेप करें और बातचीत से मसले का हल कराए। अगर ये नहीं करें तो ये पूरा आंदोलन फैलेगा और आने वाली 8 जनवरी को बहुत बड़ी हड़ताल पूरे देश में और औद्योगिक बेल्ट में होगी। धन्यवाद। आपके प्रधान जी कहाँ हैं?